विधानसभा में 11 जगह ओपन जिम लगवाए हैं। आज हम सब लोग जो है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और लोग चाहते हैं कि उनके आसपास ये सुविधा हो, तो 11 जगह हमने पूरी विधानसभा के अंदर ओपन जिम लगवाए हैं। अभी आपके इलाके में एक समस्या आ रही है कि आपका ये सीधीपुरा इलाका है, वहाँ पे लोगों ने पोस्टर छपवा के लगवाया गौशाला रोड पे कि अगर मकान नहीं तो वोट नहीं, इसमें क्या कहेंगे वहाँ के लोग? जो देखिए वो उनको नोटिस दिया गया खाली करने के लेकर के। नोटिस किसने दिया है अब ये तो वही बता सकते हैं कहाँ से नोटिस मिला है उनको। हाँ, हमारी जानकारी में नहीं आया, हमारी संज्ञान में ये नहीं आया, किसी ने बताया था हमारे को, लेकिन हमने कहा था कि उनको वो बताएं हमारे क्या समस्या है। मानवपुरा के अंदर कोई आदमी है जो प्रॉपर्टी के लिए क्लेम करता है कि सारी प्रॉपर्टी मेरी है, तो वो आए दिन उनके पास नोटिस आते रहते हैं और वो लोग उसको कोर्ट में हैंडल करते रहते हैं, तो ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन हमने इस बार अपने मैनिफेस्टो के लिए ये बिंदु रखा हुआ है कि मानवपुरा की जो जगह है उसमें वहाँ पर रजिस्ट्री नहीं होती है। आज वहाँ पर जो है रजिस्ट्री की दिक्कत है, कोई व्यक्ति है जिसका नाम मानक है, वो ये कहता है कि वो जगह जो है वो सब प्राइवेट लैंड है, वो उसका है। तो हमने ये मैनिफेस्टो में बिंदु डाला है कि मानवपुरा का स्टेटस निकलवा के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से वहाँ की हम रजिस्ट्रियाँ शुरू करवाएंगे लोगों को, उनको उनके मालिकाना हक दिलवाएंगे वहाँ की प्रॉपर्टी का। वहाँ पर लोग 80 साल से रह रहे हैं, 60 साल से रह रहे हैं, लेकिन उनके पास अपने मकान की रजिस्ट्री वहाँ पर नहीं करा पाए, तो उनको वो अधिकार हम दिलवाएंगे। रवि जी, आपने अपने रिपोर्ट कार्ड में दिखाया है 100 जगह वाईफाई स्पॉट, लेकिन कहीं भी कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है, कहाँ कहाँ पे है ये वाईफाई स्पॉट? ये लिस्ट हमारे पास है, हम आपको दे देंगे। ये इन 100 की 100 जगह पर वाईफाई सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। क्या अभी वहाँ पर वर्किंग में कितने जगह है? वर्किंग में नहीं है अभी, तुमने बताया कि 2-3 दिन के अंदर वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जो उनकी लगाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, उनका हूटर लगता है, सिस्टम लगता है, बॉक्स लगता है, वो सब कुछ लग चुका है, और आने वाले 2-3 दिन के अंदर कंपनी से हमारी बात हो चुकी है, वो इसको एक्टिवेट कर देंगे। CCTV कैमरा है 1750 जगहों पे आपने बताया। जी जी। क्या मार्केट एरिया में लगा है या? ये सभी जगह में लगवाए हैं हमने, कॉलोनियों में भी लगाए हैं, गलियों में भी लगाए हैं, मार्केट में भी लगवाए हैं, स्कूल अस्पताल कॉलेज के आसपास भी लगवाए हैं, सब जगह जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आई है हमारे पास वहाँ हमने इनको लगाया। 145 किलोमीटर सड़क निर्माण की बात बता रहे हैं आप जी, कहाँ हुआ है, किस जगह पे हुआ? क्योंकि जो मेन रोड है DGB रोड, वो भी कई जगह उसमें गड्ढे नहीं दिखते हैं। आप चलिए मेरे साथ, पूरी DGB रोड अभी नई बनी है, आनंदपुर टी पॉइंट से लेके शीला सिनेमा तक पूरी सड़क का निर्माण अभी नया हुआ है। ऐसे ही पूरी करोबाग के अंदर जितनी सड़कें हैं, चाहे वो प्यारा रोड है, विष्णु मंदिर मार्ग है, चाहे वो गंगा मंदिर मार्ग है, चाहे वो जैगर पर दूसरी गलियां हैं, चाहे वो नाई वाला की गलियां हैं, चाहे उधर जोशी रोड की तरफ है, इन सब जगह के अंदर सड़कों का गलियों का निर्माण हुआ है और लगभग 145 किलोमीटर। ये जो भी काम हमने आपको बताया है ये सब ऑन रिकॉर्ड है। आप अगर अर्बन डेवलपमेंट की डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे और विधायक निधि का वहाँ पर करोड़बाग का आप क्लिक करेंगे तो इन सारे कामों का वहाँ पर ब्यूरो आपको मिल जाएगा, वहाँ जानकारी मिल जाएगी। मोहल्ला क्लिनिक कितना चालू है इस वक्त में? अभी इस समय हमारे 4 मोहल्ला क्लिनिक चालू हैं और 2 पे काम चल रहा है। समुदाय भवन और चौपाल के बारे में बात की आपने जी, क्या नया निर्माण किया गया है या कोई पुराना था? इसमें 4-5 नए बने हैं और जो बाकी 6 हैं उनको हमने रेनोवेट किया है, रेनोवेशन किया है।